हेलो फ्रेंड्स, आइए हम फ्लाई व्हील का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। एक फ्लाई व्हील एक सिंपल हैवी व्हील होता है जो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक फ्लाई व्हील, कुछ मासेस, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड, वर्नियर कैलिपर्स, मीटर रोड और एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम धागे से कुछ वेट हैंग करके उसे फ्लाईव्हील के एक्सल पर अटैच करेंगे। इसके बाद हम उस धागे को उस एक्सल पर रोटेट करते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसका वेट इसके एक्सल तक आ गया है। इस एक्सल पर इस धागे के नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसे फ्री छोड़ते हैं, ये वेट नीचे जाना शुरू होता है और उसके साथ ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता जाता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसे ही ये वेट नीचे गिरे, आपको अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है और इस व्हील के टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस को काउंट करना है जब तक ये व्हील रुक ना जाए। अब आपको एक मेज़रमेंट टेबल तैयार करनी है जो कि इस तरीके से है। इसमें आपका मास वो मास है जो आप हैंग करते हैं, ये हाइट स्ट्रिंग की वो लेंथ है जो आपने एक्सल पर रोटेट की है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि इतनी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी व्हील की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। एंड आपके थ्रेड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। फ्लाई व्हील वेट के नीचे गिरने से लेकर स्टॉप होने तक जितनी रोटेशंस रोटेट किया उसको हम यहाँ N1 से मेंशन कर रहे हैं। इन N1 रोटेशंस में मान लीजिए T टाइम लगा, तो ये T उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है। अब आप सेम मास का यूज़ करते हुए इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए भी आपको सेम मेज़रमेंट्स लेनी है। इस तरीके से आपके पास एक मास के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह की मेज़रमेंट्स आ जाएंगी। अब आप इन दोनों मेज़रमेंट्स में नंबर ऑफ रोटेशंस का मीन ले सकते हैं और इसी तरीके से आप टाइम का भी मीन ले सकते हैं। फ्लाईव्हील के एक्सल का डायमीटर लेने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की मेज़रमेंट के बारे में जानने के लिए आप हमारी वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूले में H, N1, N और T की वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इस फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दो और रीडिंग हम दो डिफरेंट मासेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और एंड में हमारे पास तीन डिफरेंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। अपनी मेज़रमेंट में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का मीन ले सकते हैं। हमारी वैल्यूज़ का मीन फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस तरीके से आप किसी भी फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।